पहले हम बच्चों को जिनको हमको सिखाना है हमको उसका वर्गीकरण करना होगा, कौन बच्चा अक्षर स्तर का है, कौन बच्चा शब्द स्तर का है, कौन बच्चा मात्रा स्तर का है, कौन अनुच्छेद स्तर का है और कौन कहानी स्तर का है। तो सबसे पहले हम कहानी स्तर की जांच करेंगे बच्चों की, तो हम ऐसे कागज है उसको ऐसे मोड़ लेंगे, केवल कहानी बस उसको दिखनी चाहिए, तो बच्चा कहानी पढ़ेगा। अगर वो कहानी पढ़ते समय 3 या 4 गलती करता है तो गलती माफ है, तो कहानी स्तर का माना जाएगा। अगर उससे ज़्यादा वो गलती करता है फिर हम अनुच्छेद स्तर पर उसकी जांच करेंगे कि अनुच्छेद उसको हम पढ़ने के लिए देंगे, और वो अनुच्छेद में भी अगर 3 गलती करता है तो उसको गलती माफ रहेगी, अगर 3 से अधिक गलती करता है तो वो बच्चा अनुच्छेद स्तर पर नहीं है, क्योंकि शब्द पढ़ना नहीं जानता इसलिए वो अनुच्छेद नहीं पढ़ पा रहा है। इसलिए फिर हम शब्द स्तर की जांच करेंगे बच्चे की, शब्द पढ़ने को देंगे। अगर शब्द में भी बच्चा 3 गलती करता है तब ठीक है, 5 शब्द कम से कम सही पढ़े, 3-8 शब्दों में से 5 शब्द को सही पढ़ेगा, 3 अगर गलती करता है तो ठीक है, अगर 3 से अधिक गलती करता है तो फिर उसको हम अक्षर और मात्रा स्तर की जांच उस पर करेंगे, क्योंकि गलतियाँ इसलिए वो कर रहा है क्योंकि वो उस अक्षर को नहीं पहचानता है और मात्रा को भी नहीं जान रहा है। फिर हम उस बच्चे की अक्षर स्तर पर जांच करेंगे जो शब्द नहीं पहचानेगा, तो अक्षर में भी अगर वो 3 गलतियाँ करता है अक्षर पहचानने में तो उसको हम मान लेंगे कि अक्षर स्तर का है, अगर 3 से अधिक गलतियाँ करता है तो अक्षर को नहीं पहचानता है, फिर हम रेमेडियल किचन टीचिंग के लिए अपनी जो सारी गतिविधियाँ अक्षर को उदाती हैं उसको हम कराएंगे। और मात्रा की भी इसी प्रकार हम जांच कर लेंगे पढ़ाते समय, और मात्रा के लिए भी हम इन गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। विषय मित्र, हाँ विषय मित्र, आप जो बच्चे कहानी स्तर के हैं अच्छे से पढ़ना जानते हैं उनको हमको विषय मित्र बना देना है। जैसे बच्चों को हम मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो 5-5 का ग्रुप बना दें, है ना, 2 बच्चे अच्छे हैं तो उसका विषय मित्र बना दें, है ना, विषय मित्र बना करके उनको हम सिखाने के लिए चुनौती दें कि आप उनको बच्चों को इतने वर्ण को सिखाना है, अगर वर्ण सिखाना है कि आप उनको 5 वर्ण सिखा देना है तो बच्चा सिखा माने कोशिश करेगा ना सिखाने की, सिखाएगा उसको, और इसी प्रकार से